नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आपका खैर मकदम करता हूँ अपनी इस वीडियो में। आज की वीडियो है सोराइसिस को लेकर के। सोराइसिस क्या होता है मैं एक बार को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये बीमारी क्या होता है। देखिए लगती तो है जैसे दाद हो गए हों, रिंगवॉर्म हो गए हों, ठीक है, बट ये दाद से अलग होती है। दाद में क्या होता है कि आपके दाद में घेरे घेरे से बन जाते हैं, शरीर पर चकत्ते से बन जाते हैं और बीच में से सपाट और जो गोलाई होती है वो उभरी हुई होती है। बट जो सोराइसिस होती है मेरे भाई, ये पूरी की पूरी उभरी हुई होती है, स्किन से ऊपर उठी हुई होती है और बीच में से सफ़ेद सी होती है। इसमें यही अंतर होता है। और कोई कोई केस में ज़्यादातर ही इसमें क्या होता है, ब्लड यानी खून आना शुरू हो जाता है। आप खुजली करते हैं, खुजाते हैं तो इसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है मेरे भाई, इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है। आपके बाप दादा को थी, माँ को थी, दादी को थी, तो आपको ये बीमारी लग सकती है। या फिर पर्यावरण के कारण भी, आजकल के एटमॉस्फेयर के कारण भी, खान पान आपका ऐसा हो जाता है, इस वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी जो तीसरा कारण, इसका मेन कारण क्या है, लीवर। अगर आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं हम, तली भुनी चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, लीवर डैमेज हो गया है, लीवर काम नहीं कर रहा है, तो भी ये बीमारी आपकी लग सकती है। स्किन रिलेटेड जो भी बीमारी होगी ना, अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा तो वो बन जाती है। तो ध्यान रखें, तीन ही कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता है। अब ये हो तो गई है, लेकिन ये लाइलाज बीमारी कही जाती है। देखिए आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे हम होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश दवाई का इलाज करेंगे, लेकिन उसमें इसका इलाज नहीं होता है, हमें देसी इसका उपाय करना पड़ता है। अब देसी इलाज इसका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे मुझे, जो मैंने अपने पेशेंट पे ट्राई किया है उसमें मुझे रिजल्ट मिला है, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कई सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आ चुका हूँ, मैं दाद की वीडियो लेकर आ चुका हूँ, मैं सफ़ेद दाग जो कि एक लाइलाज बीमारी कही जाती है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। जिस चीज़ पर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है, वहाँ पर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये जब मुझे रिजल्ट मिला, इतने दिन बाद ही ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे जब मुझे पूरी संतुष्टि होगी यहाँ के, यहाँ रिजल्ट मिल गया है, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो दवाई है वो आप समझ लीजिएगा, दवाई क्या करनी है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लें, जब तक दवाई चलेंगी, एक महीना, दो महीने, तीन महीने, जब तक चलेंगी आपको मीठा नहीं खाना है। देखिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है आपको, मीठा और नमक का और तला भुना, ये नहीं खाना है आपको। सादा खाना बिल्कुल लेकर के चलना है। आप फल खा सकते हैं, मीठे फल भी होते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक मीठे हैं। मीठे मैं बात कर रहा हूँ, रसगुल्ले, इमरती, जलेबी, चाय पी लिया आपने, आपने केक खा लिया, इस तरह की मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है। बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई ये सब चीज़ें छोड़ना, इसलिए मैं आपको पहले ही विनम्र निवेदन कर दूँ कि भाई बहुत कैड़ा मन बना करके आपको परहेज लेकर के चलना है, अगर आपको ठीक होना है, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज बीमारी कही जाती है। ठीक नहीं हो पाएंगे अगर आप ये उपाय नहीं करेंगे, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी है। परमानेंट बंद नहीं करा रहा हूँ भाई, आप ये मत सोचे कि परमानेंट बंद है, दो महीने, तीन महीने बाद आप फिर से खा सकते हैं जब आप ठीक हो जाएंगे। तो पहली चीज़ें बंद कर दें, तली भुनी चीज़ें बंद कर दी, मीठी चीज़ और नमक की चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें फिर भी यार फल फ्रूट रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं बिना नमक के भी। अगर आप खीर भी खा रहे हैं तो बिना मीठा के आप खीर बना लीजिए, वो खा लीजिए। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा मेरे भाई। अब दवाई समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहली जो दवाई आपको लेनी है मेरे भाई, वो लेनी है कायाकल्प वटी, दो गोली सुबह, दो गोली शाम में। दूसरी जो दवाई लेनी है वो लेनी है भाई नीम घनवटी, दो गोली सुबह, दो गोली शाम में। तीसरी जो दवाई लेनी है आपको वो लेनी है गिलोय घनवटी, दो गोली सुबह, दो गोली शाम में। अंतर इन दवाइयों में रखना है आपको 10-10 मिनट का। पहले आपने गिलोय घनवटी ली, 10 मिनट रुके, फिर नीम घनवटी ली, फिर 10 मिनट रुके, फिर आपने ली भाई कायाकल्पवटी, फिर आपका पूरा समय हो चुका है, तीनों आप दवाई ले ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दवाई आपको लेनी है, जो सिरप है वो समझ लीजिए। पहला जो सिरप है वो है खदीरा रिष्ट सिरप, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम में। 4 चम्मच सिरप लीजिएगा, आप कप में ले लीजिए, गिलास में 4 चम्मच ही पानी मिलाइएगा और उसे पी जाइएगा। फिर इसके 5 मिनट बाद महामंजिष्ठादि एक सिरप आएगा, उसे आप लीजिएगा, महामंजिष्ठादि सिरप, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम में। जैसे आपने खदीरा रिष्ट में लिया था ना, 4 चम्मच कप में डाला, फिर 4 चम्मच ही पानी लिया और मिला करके पी गए, दोनों ऐसे ही लेने, लेकिन दोनों में अंतर रखना कम से कम 5 या 10 मिनट का, 5 या 10 मिनट का आप अंतर रख सकते हैं। साथ भी लेंगे कोई बीमारी नहीं लग जाएगी आपको, लेकिन 5-10 मिनट का अंतर आप रखेंगे तो बेहतर होता है मेरे भाई। ये तो वही खाने पीने की आपकी दवाई। अब जो आपको स्किन पर लगाना है, जहाँ आपको इन्फेक्शन हुआ है, वो आपको क्या करना है, आपको लेना है मेरे भाई कायाकल्प तेल, 500 ml आता है, ठीक है, आधा लीटर का, 500 ml का आप ले लीजिएगा, दवाई बनानी है आपको इसकी, 500 ml कायाकल्प तेल ले लीजिएगा। और एक लेना है आपको कैक्टस, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं थुअर, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, नागफनी सी भी जो बोल देते हैं इसे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसका दूध सा होता है, या तेल बोल दें आप इसे, दूध या तेल, इसे ले लें। इसमें से आपको आधा लीटर यानी 500 ml ही दूध या तेल, जो भी आप समझे, उसे ले लेना है।
दोनों को मिक्स करें और उसे उबालें। उबालने के बाद तब तक उसे उबालना है जब तक ये जो दूध है ना, कैक्टस का दूध या तेल जो है, जब तक ये फूक ना जाए और ये जो तेल तेल रह जाएगा आपके पास, कायाकल्प तेल, और इसमें जो उसका सत मिल जाएगा उस दूध का, उस तेल का जो कैक्टस का दूध या तेल जो भी बोले आप, उसका सत इसमें तेल में मिल जाएगा पकने के बाद, खदकने के बाद। उसे आप उतार लें और ठंडा करके शीशी में भर के, बोतल में भर के रख लें। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ आप इसे अप्लाई कीजिएगा रात के टाइम में। दिन में आपको अप्लाई नहीं करना है। आप बाहर काम धंधे पर भी जाते हैं मेरे भाई, पसीने भी आते हैं, धूल मिट्टी भी होती है, अच्छा नहीं लगता है। फिर आप ऐसे ही तेल लगा के घूमेंगे या फिर आप कुछ ऐसे दवाई लगी रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है। तो रात के टाइम में सोते टाइम इसे आप लगा के सो जाएं। देखिए फैलती चली जाती है बीमारी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा, दाद का, आपको फोड़े फुंसी का, चर्म रोग का, कोई भी आपको इलाज मिल जाएगा। बट ये थोड़ा संभल के चले, थोड़ा मुश्किल इलाज होता है। लेकिन जो मैंने आपको दवाई बताई है, गारंटी से इसका इलाज है। आपको एक साल से, दो साल से, तीन साल से, चार साल से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कब तक खानी है ये समझ लीजिएगा, आपको चार महीने का परहेज और चार महीने की दवाई करनी है। आप अगर चार महीने तक ये दवाई लेकर के चलते हैं, परहेज करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आपको सोराइसिस की बीमारी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये स्किन इन्फेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैसेंजर पर आकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।